पानी को निकाल देते हैं, अलग अलग तरह के मसालों के लिए बनाए। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। दोपहर का एक बज चुका है। रॉबी भी जस्ट मैं मार्केट से आया हूँ, दुकान का छोटा मोटा सामान खत्म हो चुका था, वही लाने के लिए गया था। तो आज मैंने ये सब चीजें लाई, ये वाला इस वाले बोरे के अंदर है, ये सर्फ का पैकेट, ये 3 बक्से एक दो पार्ले जी के हो गए, 5 वाला 10 वाला रूपर का माचिस का बॉक्स, क्योंकि माचिस देकर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। उसके बाद आता है ये वाला बोरा जिसके अंदर किराना का सामान है, और आखिर में ये जिसके अंदर ये टॉफी आई बीपी छोटी मोटी चीजें। तो चलिए फटाफट से काम पर लग जाते हैं। वैसे बाहर देखो कड़कती हुई धूप पड़ी हुई है, इतना सारा सामान है। ये अलग अलग तरह के ब्रश हो गए छोटे मोटे, उसके बाद आता है ये मनुके हो गए, काजू हो गए, उसके बाद हल्दी मिर्च का पैकेट, ये हो गए सबसे छोटे वाले, ये है मीडियम, और ये है सबसे बड़े वाले, क्योंकि अभी मुझे बिस्किट भी लगाने हैं, बहुत सारा काम है, फटाफट से काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले तो इन ग्लास को रखना है ऊपर की साइड में, कुछ इस तरीके से रखना है यहाँ पर। तो चलिए मैंने यहाँ पर साबुन के लिए जगह तो कर ली है, अब फटाफट से इन साबुन को यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये देखो गाइस, मैंने और भी सामान निकाल लिया है। ये दो तरह की दालें, ये है उड़द की दाल और ये है मूंग की दाल, जो कि दोनों एक जैसी दिखती है। बादाम हो गए, काजू तो आपने देख लिया। उसके बाद ये कुछ मिठाइयाँ हो गई जिनको कि मुझे यहाँ पर लगाना है, और ये बाकी सब सामान है जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से सभी चीज़ों को लगा देते हैं। इसको रखना है यहाँ पर, ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो गाइस स्पेशली मैंने ये वाला सेक्शन है ना अलग अलग तरह के मसालों के लिए बनाए, जैसे कि यहाँ पर बड़ा वाला मसाला हो गया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर नीचे ये मीडियम साइज़ के मसाले हो गए, यहाँ पर मिर्च आ जाती है, यहाँ पर हल्दी, लेकिन दोनों ही सेक्शन यहाँ पर खाली दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नए वाला जो सामान लाया ना उसको लगा देते हैं। ये रहा मीडियम साइज़ का हल्दी का पैकेट, ये छोटी साइज़ वाली मिर्च और एक हो गई। तो ये देखो गाइस, अब ये वाला सेक्शन भी पूरा भर चुका है, अब दिखने में थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, यानी कि हम यहाँ से आसानी से कस्टमर को सामान दे सकते हैं। और ये बाकी सब बची हुई स्ट्रिप है ना, वो हम ऊपर की तरफ यहाँ पर कहीं पर तो लगा देंगे। तो चलिए गाइस अभी दाल को भर देते हैं इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों अब लगाते हैं बिस्किट, क्योंकि पार्ले जी यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। और गाइस ये देखो दुकान की हालत, यहाँ पर कितने सारे कीड़े, ये देखो यहाँ पर है और यहाँ पर भी कितने सारे कीड़े हो गए। देखो बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं लाइट की वजह से, ये देखो। तो गाइज आज है अगला दिन, क्योंकि यार रात को थोड़ा सा जुकाम हो गया था इसलिए मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया। वैसे यार गया था भी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, जिस कारण यार आइसक्रीम की और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री थोड़ी सी कम हो जाती है। और मेरे पास एक नहीं बल्कि दो दो फ्रीजर है, जिसके अंदर एक में तो होती कोल्ड ड्रिंक और दूसरे में होती आइसक्रीम, लेकिन अभी आइसक्रीम की बिक्री बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इसलिए ये देखो मेरा ये वाला फ्रिज आइसक्रीम वाला पूरा ही खाली हो चुका है, इसके अंदर आइसक्रीम रखते थे हम, लेकिन ये अभी पूरा ही खाली हो चुका है, इसलिए मैंने इसकी वायर भी निकाल दी। और अभी अगले धूप काले तक ऐसा ही रहेगा खाली खाली, क्योंकि यार मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और यहाँ पर बारिश में आइसक्रीम कोई नहीं खाता, इसीलिए मुझे फ्रिज थोड़ा सा खाली रखना पड़ेगा अगले 6-7 महीनों के लिए, जब तक कि धूप काला नहीं आ जाता। वैसे यार पूरे सीजन मेरे इस फ्रिज ने मेरा बहुत ही साथ दिया है। वैसे चलो खाली हो तो क्या हुआ, लेकिन इसे अच्छे से साफ सफाई करके, थोड़ी सी इसके ऊपर डर्ट लगी हुई है ना, ये मिट्टी विट्टी, और अंदर की तरफ भी पूरा साफ कर लेती है इसे अच्छे से। मेरे पास ये आइस केपर है जो कि इसके साथ में आया था, तो इसको साफ सफाई करने में अच्छी बात हो जाती है कुछ इस तरीके से। इसे कपड़े से भी साफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये इसके साइड में जो गंदगी है वो हटा लेते हैं। तो गाइज मुझे ये छोटा वाला ब्रश भी लाना पड़ा, क्योंकि ये कोने कोने में छोटे छोटे दाग रह जाते हैं यहाँ पर कोने में, तो बड़ा वाला ब्रश तो नहीं जाता, इसलिए छोटे वाले ब्रश से निकालते हैं कुछ इस तरीके से। और मैंने कुछ इस तरीके से ये वाला सेक्शन बिल्कुल साफ कर लिया ऊपर की तरफ भी, और फिर रहता ये वाला। चलिए फटाफट से साफ कर लेते हैं। मैंने फ्रिज के अंदर पानी डालकर एकदम इसे साफ कर लिया अच्छे तरीके से। वैसे थोड़े थोड़े दाग दिख रहे होंगे, लेकिन ये दाग नहीं बल्कि इसके अंदर स्क्रैचेस पड़ गए थे मेरे से, क्योंकि जब मैंने ये फ्रिज लाया था ना मुझे पता नहीं था कि इसमें सीजर यूज नहीं होती, और मैंने बर्फ निकालने के लिए कैंची का यूज किया और सीधा स्क्रैच पड़ गए इसके ऊपर। तो फटाफट से इसको भी पानी को निकाल देते हैं। तो चलिए गाइस मैंने फ्रिज को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर लिया, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाला सेक्शन एकदम बढ़िया लग रहा है, और ये वाला भी, और अगले धूप काले तक ये ऐसा ही खाली पड़ा रहेगा। तो गाइस अभी होलसेल वाले भैया आए थे, जिनसे कि मैंने बालाजी का मसाला सेव मुरमुरा और साथ ही में
बालाजी कंपनी का पंजाबी तड़का ये दो बॉक्स खरीद लिए, तो फटाफट से दोनों को यहाँ पर लगा देते हैं। बाकी सब कुरकुरे तो खत्म ही हो चुके हैं, इसलिए मैंने ये दो बॉक्स खरीद लिए, इनको ही फटाफट से लगा देते दुकान के अंदर। तो चले गए, मैंने कुछ कुरकुरे के पैकेटों को यहाँ पर लगा दिया, बालाजी के और पपड़ी हो गई, और यहाँ पर पंजाबी तड़का, और ये बॉक्स अब मुझे रखने ऊपर की साइड में, क्योंकि यार दुकान में जगह की कमी ना, इसलिए इनको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा यहाँ पर पीछे। चलिए एक तो हो चुका, अब रहेगा दूसरा वाला बॉक्स जो कि थोड़ा सा छोटा है। तो चलिए गाइस, मैंने दूसरा वाला बॉक्स भी ऊपर की तरफ रख दिया। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।